दिल्ली के द्वारका में स्कूल जा रही छात्रा पर युवक ने फेंका एसिड, घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंचलों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन दिल्ली में महिला से छेड़खानी और बदसलूकी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां पर युवक द्वारा छात्रा पर तेजाब फेंकने का है। दिल्ली पुलिस के अनुसार द्वारका इलाके में एक लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंका है। घटना में बुरी तरह से घायल छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना में दो युवक शामिल थे। ये आरोपी नीले रंग की बाइक पर सवार थे, वहीं पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है। राजधानी में दिन दहाड़े घटी इस घटना से पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पीसीआर पर सुबह करीब 9 बजे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन इलाके में एक लड़की पर तेजाब फेंकने की घटना के संबंध में कॉल आई। बताया गया है कि 17 साल की एक लड़की पर आज सुबह 7:30 बजे के करीब बाइक सवार दो लोगों ने कथित तौर पर तेजाब जैसे किसी पदार्थ का इस्तेमाल कर हमला किया। घटना के वक्त पीड़ित लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी। पीड़िता ने परिचित दो लोगों पर शक जताया है। घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया कि छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उसकी हालत स्थिर है और आगे की बात डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने छात्रा पर एसिड अटैक मामले का संज्ञान लिया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा, द्वारका मोड़ के पास एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया। हमारी टीम पीड़िता की मदद के लिए अस्पताल पहुंच रही है। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। दिल्ली महिला आयोग सालों से देश में तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रहा है, कब जगेंगी सरकारें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली में छात्रा पर हुए एसिड हमले का संज्ञान लिया है। आयोग की एक टीम मामले की जांच करने और पीड़िता को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए अस्पताल पहुंचेगी।